सबसे पहले सर्दी के सितम की खबर मिल रही है चूरू से, जहां इन दिनों सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जिले का रात का तापमान पहुंच चुका है यहां पर 3 डिग्री तक। चूरू जिले में इन दिनों माउंट आबू और फतेहपुर के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। सर्द हवाओं के असर से जिले में बीते 6 दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले समय में तापमान और भी ज्यादा गिरेगा। चूरू जिले के अंदर इन दिनों कड़कड़ाती सर्दी वो पड़ने शुरू हो चुकी है। विशेष रूप से पिछले 5 दिनों में लगातार पारा है वो धड़ाम से गिरा है। चूरू जिले की तापमान की बात करें तो पिछले 5 दिनों के अंदर 6 से 7 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। ऐसे में वर्तमान में चूरू का तापमान है वो 3 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहीं जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे हालांकि तापमान बढ़ जाता है। विशेष रूप से इस सर्दी के अंदर जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं उनको परेशानी हो रही है। हालांकि लोग हैं वो अलाव का सहारा लेकर अपनी जो सर्दी है वो दूर करने का प्रयास करें। आप देख पा रहे होंगे लोग हैं वो अलाव के पास में बैठे हैं और अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचने का उपाय करें। लेकिन विशेष रूप से परेशान है वो स्कूल जाने वाले बच्चों को। मेरे साथ कुछ स्कूली बच्चे, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? शक्ति सिंह शेखावत। पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 12th में। सुबह सुबह सर्दी में जाना होता है, बिस्तर छोड़ना थोड़ा तकलीफ दे होता है? होती है। कितनी सर्दी पड़ रही है? ज्यादा है। स्कूल जाने में थोड़ा मतलब परेशानी होती है, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले तो कुछ नहीं कहते, पर हमें परेशानी होती है स्कूल जाने वक्त। भैया आपका क्या नाम है? प्रशांत पारी। घूस रहे हैं अभी आप? हाँ, अभी गांव से आना पड़ता है। अच्छा, गांव से आना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो फिर बस के लिए जल्दी तैयार होना पड़ता है। सुबह 6 बजे बिस्तर से उठना थोड़ा मुश्किल लगता है। सर्दी काफी पड़ रही है। हाँ। भैया आपका क्या नाम? प्रशांत। पिछले 3-4 दिनों में सर्दी बढ़ गई? हाँ, बढ़ गई। परेशानी हो रही है? प्रशांत हो रही है। पेपर आपका? हाँ, पेपर स्कूल में चल रहे हैं, अखबार से भी चल रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? क्रिश। क्रिश, सर्दी पड़ रही है लेकिन आप थोड़े ठीक लग रहे हो। कम लगती है सर्दी आपको? हाँ, कम लगती है। देखिए, कुछ लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। ताऊ जी, क्या नाम आपका? भोपाल नाम है। तो इस बार सर्दी कुछ देर से आई है? हाँ, सर्दी कुछ देर से आई है। देर हो क्यों आई है? परसों ही पड़ा है। दिसंबर महीने में काफी तेज सर्दी पड़ती थी लेकिन इस बार थोड़ी कम पड़ रही है। ना कोई कम पड़े, ना पड़ने लगी नहीं सर्दी। तो पहले कोई नहीं पड़े, इतना दिन तो पड़े कोई नहीं, अब पड़ने लगी। इससे फसलों को नुकसान होगा या फायदा होगा इस? अब फायदा ही है, फिर सर्दी में बरसात मांगा है, बरसात कराओ। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद सनवर। सर्दी काफी पड़ रही है? सर्दी तो काफी है, पर रात को 1 बार 2 बजे उठ के भी नहाना पड़ता है, इतनी सर्दी है। वो जी है कि पंजे भी लगते रही जाए, में इतनी सर्दी है। सर्दी से कैसे बचने का उपाय कर रहे? सर्दी से बचने का उपाय कर रहे हैं, अब सेक रहे बैठे और दिन में को 2-3। कहाँ से आप? राजस्थान से नहीं लग रहे, कहाँ से हो आप? हम यूपी से है भाई। यूपी में इतनी सर्दी पड़ती है? नहीं, यूपी में इससे भी ज्यादा सर्दी है। ज्यादा सर्दी पड़ती यूपी में? यहाँ से ज्यादा सर्दी है यूपी में फिलहाल। यहाँ बहुत कम है यार, नाइट नाइट की सर्दी है बस, दिन में कोई सर्दी नहीं। इधर उधर दिन में भी है, रात को भी है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम दिखाना चाहेंगे, लोग है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और अलाव से ही बचने की प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि दिन में सर्दी कम है, इसी वजह से कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि दिन और रात के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में लगातार अस्पतालों की OPD है वो भी लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से सर्दी खांसी बुखार के मरीज है वो लगातार अस्पताल में पहुँच रहे हैं और अपना उपचार ले रहे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बारिश भी हो सकती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सर्दी है वो और बढ़ेगी। लेकिन यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए वो राहत की खबर होगी। विशेष रूप से जो सरसों की फसल है, गेहूं की फसल, उनके लिए बारिश है वो अमृत के समान होगी। और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितनी और सर्दी है वो सताती है, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर सर्दी है वो अपने तीखे तेवर दिखा रही है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।